एक्स्ट्रा टाइम। इससे समझाओ विन ग्रिप टेक्नोलॉजी को जिस तरह सीमेंट को ग्रिप करता है बिल्कुल टाइट। SRMB TMT चैंपियंस की पसंद। BCCI ने बड़ा अनाउंसमेंट किया है रिगार्डिंग COVID-19 वैक्सीनेशन और कहा है कि सिर्फ इंडियन प्लेयर्स एलिजिबल होंगे वैक्सीन के लिए शनिवार से। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने COVID-19 वैक्सीनेशन के लिए हर सिटीजन को एलिजिबल कर दिया है हु आर अबव द एज ऑफ 18 फ्रॉम द 1st of May। इस वक्त सभी की नजरें क्रिकेटर्स पे भी हैं जो कि IPL खेल रहे हैं। BCCI ने वैक्सीनेशन का डिसीजन प्लेयर्स के ऊपर छोड़ दिया है और ये बताया कि 18 साल के ऊपर जो लोग हैं जैसे कि बाकी सिटीजन वैक्सीन लेंगे वो लोग भी ले सकते हैं फ्रॉम द 1st of May। इधर ऑस्ट्रेलिया और कोलकाता नाइट राइडर्स के पेसर पैट कमिंस ने PM केयर्स फंड में पैसे डोनेट किए हैं टू हेल्प परचेज ऑक्सीजन सप्लाईज फॉर इंडियाज हॉस्पिटल्स। ऑस्ट्रेलियन पेसर ने 50,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स डोनेट किए हैं PM केयर्स फंड में जो कि इंडियन मनी में करीबन 12.5 लाख रुपए हैं। इधर ऑस्ट्रेलिया ने अपने सारे फ्लाइट जो सस्पेंड कर दिए जो कि इंडिया से फ्लाई आउट करते हैं टू रीच ऑस्ट्रेलिया टू प्रिवेंट COVID-19 फ्रॉम एंटरिंग देयर कंट्री क्योंकि इंडिया में इस वक्त केसेस बहुत बढ़े हुए हैं। कुछ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स IPL छोड़ चले हैं और मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी का हिस्सा जो इस वक्त हैं क्रिस लिन वो भी ऑस्ट्रेलिया के हैं। उन्होंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से रिक्वेस्ट की है कि चार्टर्ड फ्लाइट की अरेंजमेंट की जाए जिससे कि प्लेयर्स घर वापस आ सके एट द एंड ऑफ दिस IPL सीजन, लेकिन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ये करने से मना कर दिया है। फिलहाल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सभी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को जो कि IPL खेल रहे हैं उनसे कॉन्टैक्ट किया और उनके हेल्थ के बारे में इंक्वायर की और ट्रैवल प्लान्स के बारे में भी। इधर इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के ऊपर भी प्रेशर है कि वो अपने प्लेयर्स को वापस बुलाए और UK गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इंडिया को रेड लिस्ट में डाल दिया है। अब इंग्लिश बोर्ड ने उन 11 इंग्लैंड प्लेयर्स के ऊपर डिसीजन छोड़ दिया है कि वो रहना चाहते हैं या फिर वो वापस घर आना चाहते हैं। इधर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने यह भी कहा कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन एंड क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया आर इन रेगुलर डायलॉग विद प्लेयर्स कोचेज मैच ऑफिशियल्स एंड कॉमेंटेटर्स जो कि ग्राउंड पे मौजूद हैं और इंडिया में मौजूद हैं रिगार्डिंग द करंट सिचुएशन और उनको जो भी असिस्टेंस रिक्वायर्ड होगी वो उनको मुहैया की जाएगी। फिलहाल ये टूर्नामेंट जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। हिट द सब्सक्राइब ऑप्शन एंड द बेल आइकॉन टू गेट ऑल द एक्सक्लूसिव स्पोर्ट्स वीडियोस ऑन एक्स्ट्रा टाइम।